మతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే. राक्षस अधिपति लंका नरेश दशानन रावण की दशानन रावण की अधिपति दशानन रावण की दशानन रावण की सेनापति, हमारे गुप्तचरों ने हमें जो सूचना दी उसकी पुष्टि हुई या नहीं? पुष्टि हो गई है लंकेश्वर. आर्यवर्त में उत्तर दिशा की ओर विजय अभियान शुरू करने से पहले लंकेश्वर को पश्चिमी देशों पर अधिकार करना होगा. पश्चिमी देशों में ऐसा प्रबल कौन है जिसे अधीन करने से हमारा गौरव बढ़ेगा? सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं. मैं दानव, जो तलातल देश का अधिपति है. तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होगा मैं दानव. मैं दानव पर आक्रमण की तैयारी की जाए. नहीं वत्स रावण, नहीं. मैं दानव अति शक्तिशाली मायावी दानव है. उससे संघर्ष करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है. शक्तिशालियों से टक्कर लेना रावण का धर्म है नानाश्री. यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें अपनी शक्ति को परखने का अवसर कब और कैसे मिलेगा? वत्स रावण, तुम्हारी शक्तियों का उपयोग उन शत्रुओं का नाश करने में होना चाहिए जो विष्णु के अनुयायी और देवताओं के शुभ चिंतक है. मैं दानव तो राक्षसों का मित्र बन सकता है, उससे संघर्ष कैसा? नानाश्री, आप राक्षसों के नेता होते हुए भी रणनीति से परिचित नहीं है कि शक्ति के बल पर ही मित्रता टिकी रहती है. मैं दानव की शक्ति को परखने के साथ साथ यह भी देखना चाहूंगा कि वो मित्रता करने योग्य है या नहीं. पुत्र रावण, अपने नानाश्री के परामर्श की अवहेलना नहीं करनी चाहिए वत्स. माताश्री, हम इनके परामर्श की अवहेलना नहीं कर रहे, परंतु मैं दानव का नाम आते ही इन्होंने जो चुनौती हमारे सम्मुख रखी है उसकी अवहेलना हम कदापि नहीं करेंगे. वत्स रावण, मत भूलो कि एक बार मायावी मैं दानव के जाल में फंसकर निकलना तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा. तुम्हें सावधान करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ. नानाश्री, आप हमारे पूज्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, परंतु इस बार हमें अपना मार्ग स्वयं खोज लेने दीजिए. जैसे जैसे आप मैं दानव की शक्ति और माया से हमें परिचित कर रहे हैं वैसे वैसे उससे टकराने का हमारा उत्साह और साहस बढ़ता जा रहा है. माताश्री, नानाश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम मैं सुर के राज्य पर विजय ध्वज फहराकर लौटें. कहाँ है हमारे गुरुदेव, महाज्ञानी, महायोद्धा चरक? महादानव, मैसूर को चरक का अभिनंदन.
गुरुदेव, कहाँ थे आप? मैं सृष्टि के उन भागों में भ्रमण कर रहा था जहाँ मैसूर के विरुद्ध षड्यंत्र की संभावना है। मैसूर के विरुद्ध षड्यंत्र की संभावना? कौन है वो जिसने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करके अपनी मृत्यु को बुलाया है? आप हंस क्यों रहे हैं गुरुदेव? वो तुच्छ राक्षस अपनी सेना लेकर अपने आप को महाविजय समझकर हमारे साम्राज्य पर आक्रमण की सोच रहा है। हमारे महासाम्राज्य पर आक्रमण? कौन है वो मूर्ख जो हमारे हाथों कीड़े मकौड़ों की तरह मसले जाने की इच्छा कर रहा है? वो मूर्ख है राक्षसा सोमाली का नाती रावण। वो बुद्धिहीन अपनी राक्षस सेना के साथ हमारी ओर आ रहा है। आने दो से गुरुदेव। उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं मैसूर अपनी क्या क्या माया दिखा सकता है। जब वो हमारे जाल में फंसेगा बड़ा आनंद आएगा गुरुदेव, बड़ा आनंद आएगा। शून्य, महाशून्य, जहां कुछ दिखाई न दे। वेदी पे ले चलो इसे। गणपति मैसूर की जय। 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 गणपति
लब्धवस्या वस्तुनोना दीक्षा सामान पानिना गतिरोधम शिरसी नास्ति रक्षसाया रक्त भंश दश मानुषा नित्य भुजो धूपस्य निहनियुक्ति एकादशा ननाहा। हे विशर्मा मुनि के पुत्र, आकाश के देवता के लिए, जल के देवता के लिए, अलभ्य वस्तु की उपलब्धि के लिए मैं तेरी बलि देता हूं रावण। अंतरिक्ष के देवता प्रसन्न हो, जल के देवता प्रसन्न हो, तुझे स्वर्ग मिले रावण, स्वर्ग। तुझे पावन करे रावण, पावन। दानवेंद्र, मेरा एक आपसे अनुरोध है। क्या है तेरा अनुरोध? मैं मुनि कुमार हूं, मुझे वेद पाठ करने दे। वो तो कर, पर शीघ्रता से, मैं अधिक समय नहीं ठहर सकता। वेद पाठ से दानवेंद्र का भी कल्याण होगा। चरक से पूछ। विश्रवा मुनि का पुत्र ठीक कह रहा है, उसे वेद पाठ कर लेने दीजिए। असत्यम प्रतिष्ठ मनीश्वरम इंदम जगत ईश्वरोहम स्वस्तिनो रुद्रयात्वम हस गौरी बिंबाय सलीलानी तक्षवि। आदित्य तक्षत्वा दिवावी शुक्ल प्रूपा शुक्लस्य प्रत्वजा सप्त प्रदीपा स्वस्तिका सप्त वाटिका सप्त जंबूरिका सप्त मस्तका गंध पुष्पदा मल्ला वासं सुरातं भक्तं चपल दित्वे तदा संपदे शुभम। अब आप बलि दो। तू हमारा पूज्य हुआ, अपनी इच्छा का है। अपनी पुत्री दे, मुझे जहर स्वीकार। लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, दानवपति मैसूर की, लंकापति रावण की, दानवपति मैसूर की, लंकापति रावण की, दानवपति मैसूर की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, वरानी मंदोदरी की, लंकापति रावण की, वरानी मंदोदरी की, लंकापति रावण की, वरानी मंदोदरी की, लंकापति रावण की, लंकेश रावण की, वरानी मंदोदरी की, वरानी मंदोदरी की, लंकापति रावण की। मेरे पुत्र के यश की भागी बनो पुत्रवधु मंदोदरी, संसार में आतंक फैला देने वाले राक्षस पुत्रों की माता बनो। आओ। राक्षस कुल का गौरव बढ़ाओ सुमुखी, लंकेश्वर की कामना और शक्ति को बढ़ाओ। तुमने बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया है पुत्र। राक्षस वंश की वृद्धि के लिए राक्षस कन्या का ही होना अति उत्तम है। वत्स रावण,
इतनी सुंदर और मनोहर लंका की महारानी पाकर तुम सचमुच धन्य हुए। आशीर्वाद। बधाई हो भ्राता रावण। बधाई हो भ्राता रावण, आपके विवाह का संदेश मुझे बहुत देर से मिला। संदेश इसलिए देरी से मिला कि तुम्हें लंकापति की गतिविधियों में रुचि नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है लंकेश्वर, आप लंकेश्वर होने के साथ साथ मेरे बड़े भ्राता भी हैं। आप जो कुछ कहेंगे हमें स्वीकार करना होगा। यह मानव कौन है? लंकेश्वर यह है कुबेर के दूत रत्नभद्र। ये आपसे कुछ निवेदन करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुए। कुबेर के दूत को लंका के राज्यसभा में आने की अनुमति किसने दी? कुबेर ने रत्नभद्र को पहले मेरे पास भेजा था सारी स्थिति समझाने के लिए। मैं ही इन्हें यहां लेकर आया हूं। रत्नभद्र अपनी बात कहो। कहो कुबेर के दूत, क्या कुबेर को हमारे आक्रमण करने की योजना का पता चल चुका है, या उसने दया की भीख मांगने के लिए तुम्हें हमारे पास भेजा है? नहीं लंकेश्वर, मेरे स्वामी कुबेर किसी से क्षमा नहीं मांगा करते। उन्होंने ही मुझे आपको सही परामर्श देने के लिए आपकी इस सभा में भेजा है। वो दुष्ट सर्वशक्तिमान रावण को परामर्श देना चाहता है। रावण, कुबेर को इस दुस्साहस का दंड मिलना ही चाहिए। वो तो उसे मिलेगा ही माते। दुष्ट रत्नभद्र, जाकर अपने स्वामी से कह दो कि रावण जिसे अपना शत्रु समझता है उससे परामर्श नहीं लेता, उसे दंड देता है। लंकापति रावण, मेरे स्वामी ने जिस उद्देश्य से अलकापुरी से इतनी दूर लंका भेजा है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, और मैं अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। आपने मनुष्यों को, यक्षों को और देवी देवताओं को अपना शत्रु बना लिया। उन्होंने कहा है तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए तुम्हें कुपथ से दूर रहने का परामर्श देना एक बड़े भाई के नाते मेरा धर्म है। बस बस, बहुत हो चुका। यदि प्राणों की रक्षा चाहता है तो चला जाए यहां से। अभी मेरे स्वामी का संदेश पूर्ण नहीं हुआ लंकापति। उन्होंने कहा है जिनके प्रति तुम घोर अपराध कर रहे हो वे सब तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुमसे बार बार अनुरोध करता हूं कि इस पाप कर्म को छोड़ दो। मेरे शत्रु के दूत, तूने मेरी राज्यसभा में आकर मेरा घोर अपमान किया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। माता रावण, माता रावण, दूत अबद्ध होता है, उसे मारने का विचार छोड़ दो, यह अनर्थ होगा। विभीषण, यदि मेरे क्रोध के कोप से बचना चाहता है तो चुप रहे। माता रावण, ये क्या किया तुमने? एक दूत की हत्या करके तुमने घोर पाप किया है और ये पाप अक्षम्य है। विभीषण, इसी समय मेरी आंखों से ओझल हो जा, नहीं तो तेरी भी गर्दन इसी तरह तड़पेगी। विभीषण, चला जा यहां से, मैं तेरी हत्या होते नहीं देखना चाहती। चला जा यहां से। बस, तुम धन्य हो वत्स, तुम राक्षस जाति का गौरव हो। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। इसी तरह शत्रुओं के सर काटकर तुम राक्षस जाति का उत्कर्ष करो। वत्स रावण, अब मुझे लग रहा है राक्षस जाति का भविष्य उज्जवल होगा। सेनापति, कुबेर पर आक्रमण की तैयारी की जाए। अब उस दुष्ट को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। Ha 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 ha
यक्षराज वैश्रवण कुबेर की जय हो, यक्षराज वैश्रवण कुबेर की जय हो। महाराज, लंकापति रावण ने अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया है। अर्थात वही हुआ जिसका हमें भय था। हमारे दूत यक्ष रत्न भद्र की हत्या के पश्चात भी उसके बैर की ज्वाला शांत नहीं हुई। हाँ महाराज, उसके साथी मारीच ने हमारे वीर द्वारपाल सूर भानु को समाप्त कर दिया और स्वयं दशानन रावण मार काट मचाता हुआ इसी ओर आंधी की भांति चला रहा है। महायक्ष मणिभद्र, रावण एक पापात्मा है। उसे न तो इस बात का विचार है कि हम उसके बड़े भाई हैं, न इस बात का पश्चाताप कि वह कारण हम यक्षों का शत्रु बन बैठा है। यह सत्य है यक्षराज, ऐसी पापात्मा को उचित दंड देना ही चाहिए। हमने बार बार उसकी उद्दंडता और शत्रुता के कार्यों को अब तक क्षमा किया है, परंतु अब वो हमारे धैर्य की सारी सीमाएं लांघ चुका है। अब वो दया का नहीं दंड का पात्र बन गया है। जाओ और उसे इसी समय समाप्त कर दो। जो आज्ञा यक्षराज। यक्ष वीरो, इन दुष्ट राक्षसों को अलकापुरी से मार भगाओ। चलाओ यक्षराज वैश्रवण कुबेर की, 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 रावण की पति, रावण की रावण की पति, रावण की रावण की कुबेर की, यक्षराज वैश्रवण कुबेर की, यक्षराज वैश्रवण कुबेर की, यक्षराज वैश्रवण कुबेर की, यक्षराज वैश्रवण कुबेर की, लंकापति रावण की, रावण की, यक्षराज वैश्रवण कुबेर की, महाराज यक्षराज की, लंकापति राक्षस रावण की, राक्षस रावण की। दुष्ट रावण, अपने बड़े भाई पर आक्रमण का परिणाम तुझे भुगत नहीं पड़ेगा। उससे पहले रावण से बैर लेने का परिणाम तुझे और तेरे स्वामी कुबेर को भुगतना पड़ेगा मणिभद्र। दुष्ट मणिभद्र, तेरी मृत्यु तुझे यहां खींच लाई है। तूने रावण पर वार करने का साहस किया। हमारे वार से बचकर नहीं जा सकता। भ्राता रावण, मैंने नहीं, तुमने ही मुझसे अकारण पैर ठाना है। मैंने सदैव तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है। मैंने तुम्हारे लिए सोने की नगरी लंका छोड़ी, फिर भी तुम्हारा लोभ तृप्त नहीं हुआ। बताओ
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी नई राजधानी अलकापुरी पर आक्रमण किया? हे दशानन रावण, सारी पृथ्वी का स्वामी है कुबेर। उसने अपने बाहुबल से समस्त राजाओं को अपना दास बना लिया है। यदि तू मेरी दासता स्वीकार करता है और मेरी लंका में हाथ बांधे खड़ा रहेगा तो मैं यह आक्रमण समाप्त कर दूंगा। कदापि नहीं, मैं तुझ जैसे दुष्ट राक्षस की दासता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तूने पूरे विश्व में आतंक फैला रखा है अपने राक्षसी बल के सहारे। मैं कभी भी तुम्हारी दासता स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर मेरे आक्रमण को गालियां ना दे और वीरों की तरह युद्ध कर मुझसे। वो तो मैं करूंगा ही, क्योंकि तुझ जैसे उद्दंड को दंड देना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। पर बड़ा भाई होने के नाते एक बात अवश्य कहूंगा रावण, कि यदि तुम इन कुकर्मों से विरत ना हुआ, यदि तुमने अकारण दुष्टता न छोड़ी, तो तुझे इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा रावण। उस समय मेरी सारी बातें तुम्हें याद आएंगी। मुझे उपदेश देने का प्रयत्न करके मेरे क्रोध की आग को और प्रज्वलित ना कर कुबेर। मुझे जो कहना है वो तो मैं कह के रहूंगा रावण। तेरी बुद्धि को अभिमान और अत्याचार का ग्रहण लग गया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने बड़े भाई का अपमान करता है, उसे भयंकर पाप का फल भुगतना पड़ता है। अब भी सावधान हो जा रावण। तू सावधान हो जा कुबेर। तूने राक्षस राज महाशक्तिशाली दशानन रावण का अपमान करके क्षमा के सारे ही मार्ग बंद कर दिए। अब मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगा। अब तेरा अंत निकट आ गया है कुबेर। युद्ध में हारे हुए कुबेर को अब तुम देवता भी मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। रावण की जय। लंकापति रावण की जय। रावण की जय। लंकापति रावण की जय। रावण की जय। लंकापति रावण की जय। रावण की जय। राक्षस वीरो, अब कुबेर की राजधानी अलकापुरी हमारी है और जिस पुष्पक मान को लेकर कुबेर लंका से भागा था वो भी अब राक्षस राज रावण का है। धन्य है लंकापति, आप सचमुच धन्य है। लंकापति रावण की जय। यक्षों के राजा कुबेर के बाद हमारा अगला लक्ष्य होगा स्वर्ग लोक। जो देवता कुबेर को उठाकर ले गए हैं वो भी अब राक्षस राज रावण के
प्रहार से बच नहीं पाएंगे। लंकापति रावण की, राक्षस राज रावण की, लंकापति रावण की, राक्षस राज रावण की। भोलेनाथ, आपके भक्त कुबेर का साम्राज्य लंकाधिपति रावण ने ध्वस्त करके अपने अधिकार में ले लिया है। भगवान, कुबेर और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। कुबेर युद्ध भूमि में अचेत हो गए। देवगण उन्हें उठाकर नंदन वन ले गए हैं। हे प्रभु, रावण अब इसी ओर आ रहा है। हे महादेव, कुबेर को जीतने के पश्चात रावण और भी शक्तिशाली हो गया है। अब उसका अभिमान गगन की सीमाओं को लांघ रहा है। हे कैलाशपति, उसकी शक्ति पर अंकुश लगाइए, वरना सर्वनाश हो जाएगा। सारा पर्वत साम्राज्य अब मेरा है। दशानन रावण से युद्ध करने वाले कायर कुबेर, दुनिया में अब तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। रावण, भगवान शिव शंकर की लीला भूमि कैलाश तक आने का साहस तूने कैसे किया? तूने हमारा रास्ता रोकने का दुस्साहस कैसे किया? यह भगवान शिव शंकर का स्थान है, यहां तुम नहीं आ सकते। कौन शंकर? मैं किसी शंकर को नहीं जानता। जो इस संसार में रहकर भगवान शिव शंकर को नहीं जानता, उसका जीना निरर्थक है। मेरा जीना निरर्थक है, यही कहना चाहता है तू? अरे मूर्ख, संसार के सबसे बलशाली सम्राट का अपमान कर रहा है तू। मूर्ख, इस संसार का बड़े से बड़ा सम्राट भी भगवान शिव शंकर के सामने अपना सिर झुकाता है, फिर तू है कौन? तेरे बोलने की हास्य भरी चेष्टा देखकर मुझे क्रोध नहीं हंसी आ रही है। दुष्ट, अपना मुख बंद कर, नहीं तो मेरे हाथ से सीधा यमलोक पहुंच जाएगा। शिव के परम प्रिय सेवक नंदीश्वर को मारने की इच्छा रखने वाला अपनी मृत्यु से पहले ही मारा जाता है। मैं चाहूं तो तुझे इसी समय मार डालने की शक्ति रखता हूं, परंतु मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि अपने पाप कर्मों की वजह से तू जल्द ही मारा जाएगा। दुष्ट, अभी तू लंकापति रावण के बल को नहीं जानता। इसी कैलाश के कारण ये सब हो रहा है ना? मैं इस पर्वत को ही चढ़ से उखाड़कर फेंक दूंगा। Oh, my God.
लंकापति, लंकापति, ये आपको क्या हो गया? देख लिया रावण, भगवान शिव शंकर की शक्ति का चमत्कार। अब तू रोते रोते पर्वत के नीचे पिसकर मारा जाएगा, और रोते रहने के कारण तेरा नाम रावण चरितार्थ हो जाएगा। हे लंकापति, भगवान शिव शंकर की लीला भूमि कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़कर आपने भगवान शंकर को रुष्ट कर दिया है, परंतु भगवान शंकर बहुत दयालु हैं, वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। हे स्वामी, आप उनसे क्षमा की याचना कीजिए। मेरा शरीर पर्वत से दबने के कारण पिसता जा रहा है, मेरा श्वास अवरुद्ध हो रहा है, मैं प्रार्थना कैसे करूं? आप तो वेदों के ज्ञाता, ब्राह्मण और परम ज्ञानी हैं। विपत्ति के समय आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए स्वामी, इसलिए सारी पीड़ा भूलकर आप भगवान शंकर की स्तुति कीजिए। भगवान शिव, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको महान महादेव मानकर आपकी स्तुति करता हूँ। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन्निनाद वट्ट मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम् अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजान कांत कांत कम तमंत कांत कम भजे। प्रणाम प्रभु। शिव शंकर, आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हुए, मैं धन्य हुआ। अब मैं आपको अपना इष्ट देवता समझकर आपकी स्तुति सदा करता रहूंगा और कभी आपकी महिमा को नहीं भूलूंगा। ऋषि विशर्वा ने बहुत पहले ही आज ही के दिन का स्मरण करके तुम्हारा नाम रावण रखा था। भविष्य में तुम रावण के नाम से ही प्रसिद्ध होगे। प्रभु, यदि आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हैं, तो मुझे उतनी ही आयु फिर से लौटा दीजिए जो बीत चुकी है, और मुझे एक ऐसा अस्त्र दीजिए जो संकट में काम आए। रावण, मैं तुम पर प्रसन्न हूं तथास्तु। तुम्हारे इच्छित दोनों वरदान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम्हारे आयु का जो अंश बीत चुका है वो तुम्हें फिर मिल जाएगा। ये लो चंद्रहास खड़ग, यदि कभी इसका तिरस्कार हुआ तो ये फिर मेरे पास लौट आएगा। प्रभु, आपके दिए इस चंद्रहास खड़ग का कभी तिरस्कार नहीं होगा, आपके ही नाम की तरह मैं इसका आदर करूंगा। Thank you.
मंगल ही करते मंगल मैं भगवान मंगल को जन्म में मंगल ही करते मंगल मैं भगवान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान